नहीं किए। हिम केयर योजना क्या थी? हिम केयर योजना में किसी हर्निए का ऑपरेशन प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में होता था, अगर उस पर 25,000 रुपया खर्च आता था तो कई जगह ऐसी खबरें मिली, मैं सभी निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं कर रहा, कई जगह ऐसी खबर मिली कि 1 लाख का बिल बन जाता। हिम केयर योजना बिना सोचे समझे शुरू की गई योजना थी। हमने ये फैसला किया है कि निजी हॉस्पिटलों के एम्पैनलमेंट को हमने बंद कर दिया है। जितने भी सरकारी क्षेत्र है के हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसमें हिम केयर को जारी रखा गया है। तो निजी हॉस्पिटल में आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतने निजी हॉस्पिटल इस समय खुलने शुरू हुए, लेकिन क्या कारण थे जिस कारण हमने इस पर विचार किया? ये फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने इसकी अध्ययन किया तो ये पाया कि इसमें काफ़ी गड़बड़ी है। 1,000 करोड़ में से सिर्फ 550 करोड़ रुपया हमने सरकार के हॉस्पिटल का देना है और 450 करोड़ रुपया हमने निजी हॉस्पिटलों का देना है। तुरंत उसके ऑपरेशन की जरूरत है, उसको पीड़ा से निजात जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके, उसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर में ही किया था। लेकिन बंद करने का मतलब यह है कि वो लोगों को अब उस पीड़ा के दौर में से गुजरना पड़ेगा, लोगों को लंबे समय तक उस बीमारी को झेलना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। 4-4 महीने 6-6 महीने की डेट MRI और CT स्कैन की हो रही थी। छोटे छोटे ऑपरेशन, छोटे छोटे ट्रीटमेंट के जो प्रोसीजर करने हैं उसके लिए 3-3 बार 4-4 बार डेट एक्सटेंड हो रही है। मैं सरकारी डॉक्टर को, सरकारी हॉस्पिटल को दोषी नहीं ठहराता हूं बिल्कुल भी, लेकिन उनके ऊपर दबाव है, वहां पर वर्कलोड इतना ज्यादा है। डॉक्टर की भर्ती आपने पिछले पिछले 20 महीने में एक भी डॉक्टर की भर्ती हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है, जबकि मैं 500 पोस्टें क्रिएट करने के साथ साथ 300 डॉक्टरों की भर्ती अंतिम दिनों में, जब हमारा चुनाव आ रहा था, चुनाव से पहले करके आया हूं। आपने एक डॉक्टर लगाया, कहां जाएगा मरीज? हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बादल फटने की घटनाओं में